रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के काशोली में देवगली समुद्र तट कुछ साल पहले बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है और पर्यटकों ने यहाँ रुक करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल कोकण में बारिश की मात्रा बढ़ती जा रही है, समुद्र बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंची लहरों की पृष्ठभूमि में सैकड़ों पर्यटन आधारित व्यवसाय ठप हो गए हैं। बारिश के कारण पर्यटकों की आमद कम होती नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि छोटे बड़े कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि कोकण प्रकृति का एक खूबसूरत सपना है। पश्चिम में विशाल समुद्र और पूर्व में अभेद सहाद्रियों तथा बीच में पहाड़ों, घाटियों, जंगलों और नदियों से घिरा कोकण हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। कोकण की तटरेखा 700 किलोमीटर लंबी है और इस तट पर कई समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोकण में कुछ समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध है और बहुत कुछ अज्ञात है। रत्नागिरी जिले के राजापुर तालुका के काशेली में देवगली समुद्र तट कुछ साल पहले से बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन यहाँ की प्रकृति सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिलहाल कोकण में बारिश की मात्रा बढ़ती जा रही है, समुद्र बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंची लहरों की पृष्ठभूमि में सैकड़ों पर्यटन आधारित व्यवसाय ठप हो गए हैं। नक्कीच भारतामध्ये अनेक सूर्य मंदिरे आहेत, त्यापैकी एक राजापुरातलं देवगळी बीच या ठिकाणी कनकादित्य नावाचं सूर्य मंदिर आहे। खूपच पावसाचं प्रमाण वाढलेलं आहे, समुद्र खवळलेला आहे। पहिले पर्यटक खूप यायचे, उन्हाळी सीझन होता, शाळांना सुट्ट्या होत्या, त्यामुळे मुलांचा आणि पर्यटकांचा ओघ होता। पण आता पावसाचं वाढतं प्रमाण पाहता पर्यटकांचा ओघ कमी झालेलं आहे, त्यामुळे साहजिकच आमच्या हॉटेल व्यवसायावर किंवा इतर दुकानं आहेत त्यांच्यासुद्धा परिणाम झालेला आहे। त्यामुळे थोडीशी उन्हाळा सीझन येईपर्यंत वाट बघावी लागेल आम्हाला। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।